हे hey गाइस, देखो हमेशा अगर आप देखोगे तो कंपनी क्या होता है कि स्टॉक का प्राइस जब गिरना स्टार्ट कर देता है तो हमें लगता है कि नहीं भाई, अब तो निकल जाना चाहिए, तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, है कि नहीं, हमें भाग जाना चाहिए, ऐसा फील होने लगता है। सर, सबको ऐसा फील नहीं होता, केवल उन लोगों को ऐसा फील होता है जिनको कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता होता सर, और ना ही वो कुछ पता करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको सब कुछ पता है सर, सब कुछ पता है, तो सर वो लोग क्या करते हैं, पेशेंस रखते हैं और जानकारी इकट्ठा करते हैं या फिर ग्राउट में और पैसे इन्वेस्ट करते हैं। जैसे देख लीजिए सर, जय कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट कंपनी का नाम बहुत सारे लोग देख लेते हैं, अपने आप को मतलब बहुत महान समझ लेते हैं, फिर कल का डेट में नुकसान हो जाता है तो लोग बोलते हैं भाई तुम्हारे वजह से, कंपनी की वजह से। अरे भाई, किसी की वजह से नहीं होता तुम्हारा नुकसान, तुम्हारा नुकसान केवल तुम्हारे वजह से होता है। क्यों? तुम्हारे अंगुलियों पर, समझ रहे हो ना, तुम्हारा ही कंट्रोल है, तुम्हारे डीमेट अकाउंट पर तुम्हारा ही कंट्रोल है, तुम्हारे बैंक अकाउंट पर तुम्हारा ही कंट्रोल है, तुम कहाँ इन्वेस्ट करते हो, बाय सेल करते हो, वो तुम्हारा कंट्रोल है। फिर तुम्हारे किसी और की वजह से कैसे नुकसान होगा, कंपनी की वजह से कैसे होगा, है कि नहीं? तो पहली चीज़ तो सर हम क्या बोलते हैं हमें खुद ही नहीं पता होता, ठीक है? तो होता क्या है, लोग बोलते हैं सर कंपनी का नाम दिखा है नहीं, सर आपने दिखा दो। अरे भाई, कंपनी का नाम देखने आए हो तुम यहाँ पर, चलो आ जाओ तुम। बहुत सारे कंपनी का नाम तो बहुत सारे शहरों में लगा हुआ है, तो देख लिया, इसका मतलब ये थोड़ी कंपनी तुम्हारी हो जाएगी। याद रखिए, जानकारी रखने से सर चीज़ें होती है, कंपनी का नाम देखने से नहीं। इसलिए मैं पहले दिखा देता हूँ, जिसको डूबना है वो डूबेगा, हमें क्या लेने देना है कि नहीं, हमें क्या लेने देना है भाई, अपना काम बनता है उस उतना ही काफ़ी है, ठीक है? तो कंपनी देख लीजिए, लोगों को लगेगा कि भाई ये तो ऑल टाइम हाई है और ऊपर से गिरावट हो रहा, स्टार्ट हो रहा। देख लीजिए, ये 16% की गिरावट देखने को मिल रहा है सर। देखो, आप इसको भाषा बदल के बात कर सकते हो सर, भाषा बदल के बात कर सकते हो। जैसे कुछ लोग बोलेंगे कि भाई ये तो गिर रहा है, आप इसको ये भी बोल सकते हो कि कंपनी अपॉर्चुनिटी बना रहा है। आप कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि भाई ये तो गिर चुका है, आप ये भी बोल सकते हो कि कंपनी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। बात करने के तरीके बदल सकते हैं सर हम लोग। क्यों? क्योंकि सर आपको लग रहा है कि ये गिर रहा है तो अच्छी बात है ना सर। अभी सिंपल सी चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ सर, सिंपल सी चीज़ है। मान लेते हैं पेट्रोल का प्राइस 100 रुपये, ठीक है, बीच में लिख देता हूँ 100 रुपये सर। अब मान लीजिए सरकार ने बोला कि भाई देखो मैं प्राइस बढ़ाने जा रहा हूँ, 110 रुपये में कर देता हूँ सर, बढ़ा के कितना कर दूंगा, 110 रुपये कर दूंगा, तो ये अच्छी बात है? लोग बोलेंगे नहीं सर, अच्छी बात नहीं है, क्यों, प्राइस बढ़ा दिया, ठीक है। अभी मान लेते हैं सर सरकार ने बोला चलो भाई मैं पेट्रोल का प्राइस कम कर देता हूँ, कितना, 90 रुपये। तो लोगों से पूछा जाता है क्या ये अच्छी बात है, लोग बोलेंगे हाँ बिल्कुल अच्छी बात है, क्यों, प्राइस कम हो गया ना सर पेट्रोल का प्राइस, ठीक है, ठीक है, किसका था, पेट्रोल का प्राइस था सर, इस वजह से प्राइस कम हो गया तो अच्छी बात थी, ऊपर गया तो खराब है, ये खराब है सर और ये अच्छा है। अब चलिए सिचुएशन बदल देते हैं सर, सिचुएशन बदल देते हैं, केवल एक छोटा सा करेक्शन करेंगे, ये पेट्रोल के जगह सर हम केवल लिख देंगे स्टॉक प्राइस, स्टॉक प्राइस है सर ये। अब लोग बोलेंगे नहीं सर, स्टॉक का प्राइस गिर गया तो खराब है, भाग गया तो अच्छा है। भाई लालच किस हद तक जा सकती है, देखो देखो देखो, देख रहे हो ना सर, देख लो। अरे भाई, जब पेट्रोल का प्राइस गिरा तो सस्ता हुआ ना, तो वो अच्छी बात थी, अच्छी बात थी, लेकिन जब शेयर का प्राइस गिर गया तो वो भी तो अच्छी बात है, वो भी तो सस्ता हो गया, वो भी तो सस्ता हो गया, वो भी तो अच्छी बात है। अब लॉजिक समझ में आया सर? हाँ, अरे भाई समझ में आता है, पेट्रोल मतलब कहने का मतलब उसको, उसका गिर गया तो 90 रुपये मिल रहा है, पेट्रोल 100 से 90 मिल रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन यही स्टॉक का प्राइस अगर 100 का 90 में मिल रहा है तो क्यों अच्छी बात नहीं है भाई? ये भी तो अच्छी बात है कि 100 रुपये का स्टॉक आपको मिल रहा है 90 रुपये में और सस्ता ही तो मिल रहा है सर, फिर प्रॉब्लम कहाँ है सर? प्रॉब्लम केवल आपके अंदर है सर, दिमाग के अंदर है, और कहीं पर भी नहीं है सर, और कहीं पर भी नहीं है सर, याद रखिएगा, ठीक है। तो होता क्या है कि सर मान लेते हैं कि स्टॉक का प्राइस 110 रुपये चला जाए तो लोग बोलेंगे ये अच्छी बात है, मतलब महंगा खरीदने के लिए तैयार हूँ, बड़ी बड़ी कंपनियों को महंगी खरीदने के लिए तैयार हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत अगर प्राइस बढ़ जाता है इधर उधर खाने के पीने की चीज़ों में तो लोगों को खराब लगने लगता है। उतना खराब सर आपको तब लगना चाहिए जब कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ जाता है, तब, है कि नहीं सर, है कि नहीं? उसी तरीके से ये गिर रहा है कि नहीं सर? मान लेते हैं सर ये पेट्रोल का प्राइस है, ये कंपनी का मान लेते हैं जय कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट, मान लेते हैं इसको नाम कट करके हम इसको रख देते हैं सर पेट्रोल, ठीक है ना सर, कोई भी पेट्रोल सर, इतने सारे पेट्रोल पंप है, किसी का भी नाम लिख लो, ठीक है ना, हम अलग नाम देते हैं, ABC पेट्रोल नाम रख देते हैं सर, ABCP, ठीक है, तो ठीक है, ये कंपनी ABC कंपनी है, पी से पेट्रोल मान लीजिए सर, ठीक है। अब पेट्रोल मान लीजिए सर 16% सस्ता हो गया, अब मज़े में हो ना सर, बहुत मज़े में है। अब मान लेते हैं यहाँ से सर कल के रेट में और सस्ता हो जाता है सर, कल के, अभी तो सर मान लीजिए यहाँ पर देखिए 16% ही सस्ता है, दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है ना सर, 16% सस्ता है पेट्रोल। अब मान लेते हैं कि और सस्ता हो जाता है सर, कल मान लेते हैं कि ये टोटल जो है ये और गिर के 15%, ये टोटल 30% गिर जाता है तो पेट्रोल का प्राइस, तो लोग बोलेंगे और मज़े ही मज़े हैं, मज़ा आ गया तब तो। तो यही मैं आपको बोल रहा हूँ सर, कोई भी चीज़ सस्ती होती है तो हमें अच्छा फील होना चाहिए, चाहे ये पेट्रोल का प्राइस का लेकर जो हमने एग्जाम्पल लिया वो, चाहे स्टॉक का प्राइस का लेकर एग्जाम्पल लिया वो, सर गिरता है सस्ता होता है तो हमें अच्छा फील होना चाहिए सर,
ना कि बुरा फील होना चाहिए। बुरा फील केवल वो लोग करते हैं जो लोग सर लगभग रिसर्च नहीं करते हैं, मेहनत नहीं करते, और गिर जाता है तो रोने लगते हैं सर बच्चों की तरह, फिर बोलते हैं नुकसान हो गया। भाई कोई नुकसान नहीं हुआ, और अच्छी बात है नीचे से खरीदने का अपॉर्चुनिटी मिला जब आप जानोगे तो। ठीक है, जय कुमार इन्फ्रा प्रोजेक्ट सर कंपनी बहुत खतरनाक है, इतनी खतरनाक कंपनी के आने वाले 5 साल 2 साल के अंदर ही आपको जवाब ऑटोमेटिक जवाब मिल जाएगा सर। यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक आपको जवाब मिल जाएगा, कंपनी बहुत सही है। गिरता है तो मैं आपको इतना ही बोलूँगा कि मतलब नज़रें गड़ा कर रखिए इस कंपनी के ऊपर। कंपनी को सर बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिल चुके हैं। कंपनी के पास अगर आप देखोगे तो मेट्रो, फ्लाईओवर, कंपनी को सर मेट्रो बनाने के लिए लगभग जो है 40% तो सर कंपनी केवल मेट्रो बना के पैसा कमा लेती है सर, 40% सर। ठीक है, और उसके बाद फ्लाईओवर ब्रिज से भी सर लगभग कंपनी कितना 50% तो पैसा सर केवल फ्लाईओवर ब्रिज से कंपनी पैसा बना लेती है सर, इतना ज़्यादा है सोचो। और भी काम करती है सर, ठीक है, और भी काम करती है जैसे ब्रिज हो गया, रोड हो गया, यहाँ देख सकते हो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा, बहुत सारी चीज़ें और भी कंपनी काम करती है सर। ठीक है, डैम केनाल वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ों के लिए भी कंपनी काम करती है। तो ये सब क्या होता है ना सर, बड़े बड़े अपॉर्चुनिटी है कंपनी के पास है। ज़्यादा सर इस कंपनी को ऑर्डर जो मिलता है सर वो महाराष्ट्र से मिलता है, NCR से मिलता है, तमिलनाडु से मिलता है सर, ज़्यादातर ऑर्डर उन्हीं उधर से ही मिलता है। और ये देखिए बेस्ट क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए सर इन कंपनी को काफ़ी अच्छा पैसा भी दिया जाता है सर, ऐसा है। और सर अगर आप देखोगे ना तो इस कंपनी के पास काफ़ी अच्छे अच्छे क्लाइंट भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, बड़े बड़े जैसे टाटा देखने को मिल जाएगा, इन्हीं के मतलब टाटा इनके क्लाइंट है सर। ठीक है, IOL आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे इंडियन ऑयल हो जाएगा, ठीक है, इन्हीं का क्लाइंट आपको देखने को मिल जाएगा। JSW आप लोगों ने सुन रखा होगा, जो मतलब इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है सर स्टील में, वो भी इन्हीं का क्लाइंट आपको देखने को मिल जाएगा सर। इस कंपनी के पास ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ का ऑर्डर है। कितना, वन मोर टाइम, कितना, 20,000 करोड़ का तो सर कंपनी के पास ऑर्डर पड़ा हुआ है। कंपनी 4 से 5 हज़ार करोड़ की है भाई, मतलब कंपनी से 5-6 गुना ज़्यादा कंपनी के पास ऑर्डर है सर। और क्या पता ये और कंपनी के पास 2-4 हज़ार करोड़ आ जाए। जैसे देखिए RVNL के पास देखोगे तो सर वो 1 लाख करोड़ की कंपनी है, उसके पास 80,000 करोड़ का इसे कंपनी के पास ऑर्डर है। वो कंपनी 1 लाख करोड़ की है और 80,000 करोड़ का ही ऑर्डर है, मतलब कंपनी से वैल्यू से कम सर। इस कंपनी के पास अपनी कंपनी से 4 से 5 गुना ज़्यादा ऑर्डर है सर। कितना, 4 से 5 गुना ऑर्डर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। और फ्लाईओवर के लिए सर 40% का ऑर्डर है, रोड के लिए 24-25% का ऑर्डर है सर, मेट्रो के लिए 14% का ऑर्डर है सर, और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए सर कंपनी के पास ऑर्डर है सर। ये सारे वर्ल्ड क्लास और अच्छे खासे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए सर। ऑन गोइंग प्रोजेक्ट भी काफ़ी ज़्यादा है सर कंपनी, ये सारे पिक्चर वो दिखा रहा हूं जो कंपनी को सर प्रोजेक्ट में मिलते हैं सर। ठीक है, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट भी कंपनी को आपको देखने को मिल जाएगा बहुत सारे। कंपनी के पास 40 से भी ज्यादा, कितने, 40 से भी ज्यादा सर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, ऐसा है सर। और कंपनी ने प्लान कर रखा है कि कंपनी लगभग 450 से लेकर 500 करोड़ तक कंपनी सर अपने कैपेसिटी को सर बढ़ाने की कोशिश कर रही है सर, अपने कैपेक्स को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, वो भी लगभग 2025 से 2026 के बीच में सर, ऐसा। और कंपनी के पास हिस्ट्री भी काफ़ी अच्छा है सर काम करने का, मतलब अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो कंपनी के पास काफ़ी अच्छा। कंपनी क्या बोल रही है देखो, कंपनी बोल रही है, इतने बड़े 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 तो प्रोजेक्ट हैं ही कंपनी के पास, देख सकते हो। कंपनी क्या बोल रही है सुनिए, कि भाई हम अपना जो है $1 बिलियन का सर, तो हम अपना केवल क्या कर लेंगे सर, रेवेन्यू कर लेंगे सर। इतना कंपनी बोल रही है कि 15 से 16% तक का तो मार्जिन कर लेंगे आने वाले दिनों में सर। इतना रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा, कंपनी का मार्जिन भी बढ़ जाएगा, और कंपनी के पास जिस हिसाब से ऑर्डर है उस हिसाब से सर कंपनी बड़े लेवल में काम करना स्टार्ट कर देगी। तो शेयर का प्राइस कहाँ जाएगा ये बोलना बहुत मुश्किल रहेगा सर। 4-5 हज़ार करोड़ का तो सर ये लोग रेवेन्यू की बात कर रहे हैं जो कि ये अचीव कर चुके हैं, और बोल रहे हैं जिस तरीके से नए ऑर्डर आते हुए नजर आएंगे तो सर ये लगभग जो है 8 हज़ार करोड़ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे सर। कितना, 8 हज़ार करोड़, सोच लो 5 हज़ार करोड़ से कितना, 8 हज़ार करोड़ ये पहुंचने की कोशिश करेंगे सर ये कंपनी, यहाँ पर बोले जिस तरीके से नए नए ऑर्डर आते हुए नज़र आ जाएंगे सर। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सर कंपनी को जानने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखो, ये जानने में इंटरेस्ट मत रखो कि स्टॉक का प्राइस नीचे गिरा ऊपर भागा। तो ये जो जानकारी मैंने आपको बताई है तो सर एक टेम्परेरी छोटी जानकारी थी सर, केवल इस कंपनी के ऊपर मैं अभी कम से कम मैं आपको 18 वीडियो बनाकर डालने वाला हूँ, एक दिन में तो होगा नहीं सर, इसके लिए मुझे महीनों लग जाएंगे, टाइम लगेगा। तो धीरे 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 करके मैं बनाऊंगा और बताऊंगा सर, जिस तरीके से थोड़ा सा जानकारी दिया आने वाली वीडियो में मैं लगातार दूंगा सर। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो अपना डीमेट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर आपका डीमेट अकाउंट बिल्कुल फ्री में रहेगा सर। ठीक है, अब तो सर एंजल नहीं देखोगे तो IPL के साथ पार्टनरशिप भी कर रखा है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप सर, तो लंबे समय में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। वैसे भी डीमेट अकाउंट फ्री में खुल रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं सर। लेकिन याद रखिए जो भी मैं वीडियो में बताता हूँ ये कोई रिकमेंडेशन, एडवाइस या टिप्स वगैरह बिल्कुल नहीं होता सर, बिल्कुल का मतलब बिल्कुल नहीं होता सर। मैं केवल एक काइंड ऑफ आपको छोटी जानकारी देने की कोशिश करता हूँ सर, केवल जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। खरीदते हो प्रॉफिट होता है, आपके ऊपर डिपेंड है, बेचते हो लॉस होता है, आपके ऊपर डिपेंड है सर। क्यों, क्योंकि सर जब प्रॉफिट होगा तो आपके अकाउंट में, लॉस होगा तो आपके अकाउंट में। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइस से कंसल्ट कीजिए, नहीं तो स्टडी कीजिए, मुझे स्टडी करने में से 2-2 3-3 महीने लग जाते हैं ऐसा। तो आधी अधूरी जानकारी लेके आपको भी नुकसान हो सकता है।
और एंजल में ओपन करना चाहते हैं डीमेट अकाउंट, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है सर, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दे रखा है, जाके अपना डीमेट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं वो भी बहुत आराम से सर, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है।